Almighty, the most gracious, the most merciful. Respected students, friend, follower, today we are going to discuss cherry orchard. In cherry orchard, we will discuss themes in cherry orchard. Cherry orchards ke andar kya kya themes hai, ye hum dekhenge. Characterizations in this play, cherry orchard. Cherry orchard ki characterization kya hai? कैसे करैक्टर हैं, कौन से करैक्टर हैं, इनको हम देखेंगे. समरी इन चेरी ऑर्चर्ड, उसकी समरी और बायोग्राफिकल स्केच ऑफ लाइफ, लाइफ वर्क एंड करैक्टर ऑफ राइटर. जरा नोट करें राइटर की लाइफ. राइटर 29 जनवरी 1860 में पैदा हुआ और 1904 में इसकी डेथ हुई है. इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, उसके बाद हम फिर स्टार्ट करते हैं. शॉर्ट स्टोरी राइटर है, नाम है एंटन शेखोव. एंटन शेखोव इसका नाम है. रशियन राइटर है, रशिया में पैदा हुआ और जर्मनी में इसकी डेथ हुई है. इब्तदाई तौर में शॉर्ट स्टोरी लिखता था और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसने नावल और प्ले लिखने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ. इसके लाइफ के तकरीबन जब 8 ईयर राउंड अबाउट रहते थे, व्हेन ही वाज ओनली हैविंग 8 ईयर्स इन हिज डेथ, तो इसने बड़ा अच्छा काम किया. इसने 4 बड़े कमाल के प्ले लिखे जो इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज्ड हैं. उनके नाम लिख लीजिए, 4 प्ले हैं, बड़े प्रोमिनेंट हैं, बड़े मशहूर हुए और इंटरनेशनल फेम दिया इसको. इवन इसके बारे में जॉर्ज बर्नर्ड शॉ ने कहा कि बहुत अच्छा राइटर है. वर्जीनिया वुल्फ ने इसको एडमायर किया, कैथरीन मैल्सफील्ड ने इसको एडमायर किया, जेम जॉयस ने इसको एडमायर किया. यानी ये टॉप के पोस्ट मॉडर्न राइटर्स थे, यानी ये मॉडर्न राइटर्स थे और इन राइटर्स ने भी इसको एडमायर किया, एंटन शेखोव को. एंटन शेखोव पहला जो इसका वर्क है, जरा ये 4 प्ले जो हैं ये लिख लें, इसके जो टॉप के प्ले हैं उसी के अंदर चेरी ऑर्चर्ड है. द सीगल, SEAGUL, GULL, सीगल. सीगल जो है 1895 में इसने लिखा है. अंकल वन्या, नाम रशियन है तो वो थोड़े से नाम जो है वो डिफरेंट है, वो आपने नोट करने हैं. UNCLE, अंकल VANYA, अंकल वन्या 1897, यानी 1897 में ऊपर 1895 में वो लिखा है. यानी उसके बाद थ्री सिस्टर्स जो है 1901 में लिखा है और उसके बाद द चेरी ऑर्चर्ड 1904 में लिखा है, जिसको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं. एक बात और, एक वर्ड है पोस्टमस. पोस्टमस का मतलब लिख लीजिए, पोस्टमस का मतलब होता है आफ्टर द डेथ ऑफ द राइटर. इसका वर्क जो है इसकी डेथ के बाद ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ है, यानी लोगों ने जब इसको स्टडी किया तो दे वर इंप्रेस्ड, सच अ ग्रेट मास्टरपीस, सच अ ग्रेट लिटरेरी वर्क, इतना अजीम वर्क. उसके बाद इसने, पहले ये शॉर्ट स्टोरी राइटर था और इसने इब्तदाई एज में ही इसको लिखना शुरू कर दिया. और कहते हैं कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो तकरीबन अपनी अर्ली एज में ही वो पहचाने जाते हैं और अपने वर्क से पहचाने जाते हैं. ये कॉलेज लाइफ में ही शॉर्ट स्टोरी लिखते थे और 20 साल में ये तकरीबन अच्छे शॉर्ट स्टोरी राइटर बन गए थे. और 28 ईयर्स जब इनकी एज हुई तो कहते हैं 90% वर्क जो है इन्होंने अपना लिटरेरी वर्क लिखा था. एस्टेब्लिश्ड लीडिंग राइटर बन गए थे 28 साल की उम्र तक. नाम लिख लीजिए, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिखवाऊंगा, आप साथ साथ नोट कर लें, आपको बुक्स पढ़ने की फिर जरूरत नहीं रहेगी, आप जैसे इसी नॉलेज को इस्तेमाल करेंगे. एंटन शेखोव, बायोग्राफी क्या है, साउथर्न पार्ट ऑफ रशिया, रशिया के साउथर्न पार्ट में ये पैदा हुआ किसी टाउन के अंदर. और 29 जनवरी 1860 में पैदा हुआ और जर्मनी में इसकी डेथ होती है 1904 में. फादर जो थे इसके शॉपकीपर थे और इसके ग्रैंडफादर जो थे वो सर्फ, बाउंडेड सर्फ थे. सर्फ का मतलब लिखें बाउंडेड लेबरर, यानी वो लोगों के जितने भी अरिस्टोक्रेटिक लोग थे या जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनके अंडर काम करते थे, बाउंडेड सर्फ. आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो फैमिली टू फैमिली जो है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो है सर्वेंट रहते हैं. और बाज़ुकात आप एक परिंदे को अगर कहीं कैद कर दें तो आपको नजर आएगा कि वो परिंदा अपने माहौल में बड़ा खुश है, उसके अंदर वो देखे खाना भी खा रहा है और उसके अंदर. और ये जो बाउंडेड सर्फ थे ये भी कहते थे, कुछ करेक्टर हम इधर पढ़ेंगे वो कहेंगे कि हमें बाउंडेड सर्फ ही रहना चाहिए था. जब अलेक्जेंडर टू रशिया का किंग बनता है तो उसने क्या किया, उसने कहा कि पूरी प्रॉपर्टी को इक्वल किया जाएगा. जितने भी अमीर लोग थे जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर उसने टैक्स लगा दिए और टैक्स लगाने की वजह से बहुत सारे जो अमीर लोग थे वो
लक्जरियस लाइफ गुजार रहे थे तो वो टैक्स नहीं दे पाते थे, तो फिर अल्टीमेटली उनके जो ऑर्चर्ड थे, जैसे चेरी ऑर्चर्ड एक बहुत बड़ा एक उनके पास बागात थे, तो इसी तरह के बहुत सारे जो फ्यूडल लोग थे, एरिस्टोक्रेटिक लोग थे, लैंड लॉर्ड थे, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें थे, तो अलेक्जेंडर टू ने क्या किया, रशिया का जो किंग था उसने उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगा दिए और उसकी वजह से उनको उनको नीलाम करना पड़ा। उनके जो टैक्सेस थे इतने थे कि वो अदा नहीं कर सके, अल्टीमेटली उनको चॉप डाउन किया गया, उनको कट डाउन किया गया, उनको काट दिया गया। और चेरी ऑर्चर्ड में भी हम ऐसे देखेंगे कि जो अपर क्लास है वो क्या हो रही है, वो करीब हो, वो नीचे आ रही है और मिडिल क्लास ऊपर आ रही है। हम ये एक मिडिल क्लास का थीम है, अपर क्लास का थीम है, सेल्फिशनेस का थीम है, लव का थीम है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर लॉस ऑफ यानी ग्रीफ का थीम है, क्लास का थीम है, सोशल चेंज का थीम है, लव ऑफ सेल्फिशनेस का थीम है, नॉन सीरियसनेस इसके अंदर आपको पाई जाएगी। यानी करेक्टर आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं किसी से कि भैया आपको शादी कर लेनी चाहिए, आप यू आर वेल एजुकेटेड, यू हैव गॉट जॉब एंड एवरीथिंग इज ओवर हियर, तो वो आगे से उसे कहेगा कि आपकी जेब में पेन बड़ा खूबसूरत लग रहा है मुझे। यानी करेक्टर्स आर नॉन सीरियस, इसके अंदर करेक्टर जो है वो नॉन सीरियस है। एंटन शेकफ कहते हैं कि मैंने ये लिखी थी एज अ कॉमेडी, क्योंकि वो चेखोवियन जो कॉमेडी है वो बड़ी मशहूर थी। इसने कहा कि मैंने इस प्ले को बतौर कॉमेडी लिखा था, एक कॉमेडी प्ले लिखा था, इट वाज कॉमेडी, इट वाज नॉट ट्रेजेडी। लेकिन डायरेक्टर ने जब ओवरऑल उसको देखा, डायरेक्टर ने कहा कि मैं इसको ट्रेजेडी इसको डायरेक्ट करूंगा, उसने इसको एज अ ट्रेजेडी दिखा दिया। जो जिसने इसको पढ़ा नहीं है, यानी लाइन टू लाइन टेक्स्ट नहीं पढ़ी, तो वो तो इसे ट्रेजेडी ही समझता है। लेकिन राइटर जो है वो क्लेम करता है कि मैंने इसको बतौर कॉमेडी लिखा था, लेकिन दिखाने वाले ने इसको, डायरेक्टर ने इसको कैसे डायरेक्ट कर दिया, इसको ट्रेजेडी दिखा दिया। जब उसने पढ़ा तो ये तो ट्रेजेडी बन रही है, उसने उसको ट्रेजेडी डिस्प्ले कर दिया, लोग ट्रेजेडी समझते रहे, बट इन फैक्ट इट वाज रिटन एज अ कॉमेडी। राइटर ने, एंटन चेखव ने इसको बतौर कॉमेडी लिखा था। देखिएगा, इससे पहले जो हम क्लासिकल ट्रेजेडी देखते रहे हैं उसमें एक प्रॉब्लम होता था कि एक रॉयल हीरो है, उसके अंदर एक डाउनफॉल है, वो डाउनफॉल होता है और वो थ्रूआउट द यानी अपनी गलती में पूरे वो जो उसका ट्रेजिक फ्लॉ उसकी वजह से सफर करता, अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती, या वो सफर करता, या वो आंखें फोड़ लेता, या अपना नुकसान करता, और इस तरह उसके साथ। जबकि मॉडर्न ट्रेजेडी में ट्रेजेडी जो है वो पहले ही दिखा दी गई है, ट्रेजेडी इंसान के साथ हो चुकी है, हीरो प्रोटैगोनिस्ट के साथ ट्रेजेडी हो चुकी है और वो ट्रेजेडी का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए कहीं चला गया। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि करेक्टर जो है वो ट्रेजेडी के बाद अपना सोल्यूशन तलाश कर रहे हैं, दे आर फाइंडिंग सोल्यूशन व्हाट टू डू नेक्स्ट बिकॉज ट्रेजेडी हैज अकर्ड। दुनिया एडवांस हो चुकी है, मॉडर्न, और एंटन चेखव जो है एक मॉडर्न राइटर है, तो वो आपको क्या बताएगा कि ट्रेजेडी के बाद क्या करना है भाई। ट्रेजेडी हो चुकी, एवरीथिंग हैज अकर्ड, एंड नाउ व्हाट टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन। आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो, मिसहैप हो, तो वो कहते हैं यार आप मरी चले जाओ 7 दिन, आप एक हफ्ता दो हफ्ते उधर जाएं, आपका माइंड जो है हवा चेंज हो जाएगी, माहौल चेंज हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी चेंज, यू विल फील रिलैक्स्ड, सो यू शुड गो समवेयर एल्स, यू चेंज योर प्लेस। पीपल गो समवेयर एल्स, इवन दे गो टू हिल स्टेशन इन अ वे टू फाइंड सम सोल्यूशन। तो यहां पे भी हम देखेंगे कि उसकी जब मैडम रैनम सकाई है, जिसको मैडम लबव कहते हैं, ठीक है, अब वो मैडम लवबव जो है, जो रैनम स्काय है, वो क्या करेगी जब उसके हस्बैंड की डेथ होती है, जब उसका बेटा डूब के मर जाता है, तो वो फ्रांस चली जाती है। जब फ्रांस जाती है तो वहां अब्यूसिव लवर मिलता है, वो लवर भी उसके साथ धोखा कर देता है, फिर वापस आती है चेरी ऑर्चर्ड को लुक आफ्टर करने के लिए। यहां पर बहुत अलेक्जेंडर टू जो है वो अब किंग बन चुका है, उसने बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए, हैवी टैक्स, अब वो अपनी जो लक्ष्यस लाइफ है उसको कंट्रोल नहीं कर पाती, और वही वर्कर जो उसके घर काम कर रहे होते हैं वही उसको खरीदते हैं और उसको चॉप डाउन करते हैं जो उनके घर काम कर रहे हैं। सो दिस इज द सोशल चेंज, क्लास चेंज, डेवलपमेंट है वर्किंग क्लास की, मिडिल क्लास की, वो अपर क्लास को भी वो ओवरलैप कर रहे हैं, उनके ऊपर आ रहे हैं। तो दिस इज द सोशल चेंज एज वेल, इन दिस ड्रामा यू विल सी द सोशल चेंज, द ट्रेजेडी, एंड कैरेक्टर्स आर फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। और करेक्टर जो हैं अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फिर वापस आते हैं, और फिर ट्रेजेडी हो जाती है, चेरी ऑर्चर्ड बिक जाता है तो फिर फ्रांस चली जाती है, उसका फिर मैसेज आ जाता है कि भाई आ जाएं वापस, मुझसे गलती हो गई, तो वो फ्रांस वाला जो लवर है उसके बाद फिर चली जाती है। लुक एट द वे ऑफ डीलिंग। तो इसके अंदर करेक्टर बाकी बड़े रेडिकुलस हैं, वो हम देखेंगे। मैं आपको करेक्टर एक एक करेक्टर आपको समझाऊंगा।
एंटन चेकोफ का जो फादर था लिख लें, उसका फादर शॉपकीपर था, मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता था, और ग्रैंडफादर जो है वो बॉन्डर्ड लेबरर था, सर्फ था, यानी इसका मतलब है कि ये सर्फ की किसी बॉन्डर्ड लेबरर का ही बेटा था, यानी वो लोग इतने अमीर लोग नहीं थे, तो इसलिए इसने वो सर्फ जो लोग हैं, जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, वो इसने शामिल किए हैं इसके अंदर। बाज़ुकात आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं यार पाकिस्तान बना के कायदे आज़म ने अच्छा नहीं किया, हाँ इकट्ठे रहते थे हिंदू मुस्लिम सारे इकट्ठे रहते तो कोई मसला नहीं था, हाँ अच्छा नहीं किया। अब देखिए ना, वो उस माहौल को ही लाए, पुराने लोग जो है हमारे वो पुरानी चीजों को ही लाए कर रहे, हम इकट्ठे रहते थे, इंजॉय करते थे, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। अब देखें फिर जो एक लीडर होता है वो कैसा सोचता है, लीडर सोचता है विजनरी होता है और वो आने वाले वक्त का सोचता है। No look at the situation of India. What is happening over there? हमें bonded laborer ही रहना चाहिए था, हमें जरूरत नहीं थी Alexander II ने अच्छा नहीं किया आके सब कुछ हमसे छीन लिया, हम family to family in generation to generation इस खानदान की खिदमत करते आ रहे हैं, हमें वैसा ही रहना चाहिए था। हाँ ये अच्छा नहीं किया Alexander II ने आके हमसे जॉब छीन ली, हमें कह दिया Alexander II हमें ये कहता है कि हमें अब फैमिली टू फैमिली जो हम वर्क कर रहे हैं ये अच्छा नहीं। कुछ करेक्टर आपको ऐसे भी मिलेंगे इसके अंदर, आई विल डिस्कस। ग्रैंडफादर लेबरर, लेबरर और बाउंडेड सर्फ था, और इसका मतलब है कि फैमिली जो है वो पुअर थी, और इसने जो राइटिंग जो है वो इसलिए ज्वाइन की थी, एंटन शेखव ने जो रशियन राइटर है, प्ले राइट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, इसने इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि इसने अपने मेडिकल कॉलेज की फी देनी थी, ये मेडिकल में डिग्री होल्डर था, इसने मेडिकल की डिग्री हासिल की थी। ये अक्सर कहता था, एंटन शेखव सेड लिटरेचर इज माय अनलॉफुल मिस्ट्रेस, कहता है कि मेडिकल इज माय लीगल वाइफ एंड लिटरेचर इज माय अनलॉफुल मिस्ट्रेस, जबकि लिटरेचर जो है वो मेरी मिस्ट्रेस है। अंग्रेजों में एक कल्चर है कि जो एक तो वो शादी करते हैं ना लीगली, वहाँ पे उसे हिस्सा मिलता है, और कुछ वो इलेजिटिमेट रिलेशन प्रोस्टिट्यूट्स के साथ और इस तरह मिस्ट्रेस और कंकोबाइंस और इस तरह की औरतें जो उनकी गर्लफ्रेंड्स होती हैं या मिस्ट्रेस होती हैं वो उन्होंने रखी होती हैं, उनसे वो अपने फिजिकल नीड्स पूरी करते हैं। तो वो कहता है, उसने अपनी कंसेप्ट दिया हुआ, उसने कहा कि मेडिकल इज माई लॉफुल वाइफ वाइल लिटरेचर इज माई मिस्ट्रेस। ज्वाइंट राइटिंग टू पे हिज मेडिकल फी, मेडिकल के कॉल मेडिकल में जो पढ़ता था उसकी फी देने के लिए इसने ये लिटरेरी वर्क जो है शॉर्ट स्टोरी का इसने ज्वाइन किया था कि वो लिखे अपनी फी जो है अदा करे, और इसके लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट करता। बाज लोग ऐसे करते हैं कि दाखिला लेते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद अपनी फी अदा करते हैं। सो ही वॉज डूइंग लाइक दैट। और इसने एक मैगजीन था जो रशिया से पब्लिश होता, जो रशिया से शाया होता, नाम था स्पिक्टेटर, उसमें इसने 20 साल की एज में लिखना शुरू कर दिया, और ये 28 ईयर तक लीडिंग एस्टेब्लिश्ड लीडिंग राइटर बन गया, और 28 ईयर में कहते हैं इसने 90% जो है अपना वर्क जो है लिटरेचर में वर्क किया इसने। जब 8 साल इसकी डेथ में रहते थे तो इसने बड़े शानदार और वंडरफुल मास्टरपीस ऑफ लिटरेचर, और उसके लिए तो इसे बड़े बड़े लिटरेरी फिगर ने इसको एडमायर किया, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ, वर्जीनिया वुल्फ लिख लें, कैथरीन मैन्सफील्ड, जेम जोइस, ये चार लोग जो हैं इन्होंने इसे एडमायर किया कि ही इज रियली अ ग्रेट राइटर, और पोस्टमस हिज फेम वॉज पोस्टमस, पोस्टमस मीन आफ्टर द डेथ ऑफ द राइटर, राइटर की डेथ के बाद जो उसे फेम मिलती है उसे कहते हैं पोस्टमस फेम, ही गॉट पोस्टमस फेम इवन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज यू कुड से आफ्टर हिज डेथ ही गॉट हिज पोस्टमस फेम, इसको पोस्टमस फेम मिली। चेरी ऑर्चर्ड इसकी अपनी लाइफ की रिफ्लेक्शन है, इसकी एक मदर थी, उसका एक फ्रेंड था, उसने क्या किया इसके घर को खरीद लिया और उसमें ऐसे ही दरख्त थे जैसे चेरी ऑर्चर्ड में थे, और उसको उसने चॉप डाउन किया, काट दिया, तो वो उसके माइंड में सीन था, तो ये इसने उसी एज में लिखा गया है जब इसकी डेथ हुई थी। 1904 में इसने चेरी ऑर्चर्ड को लिखा है और 1904 में ही इसकी डेथ हुई थी एंटन शेखव की।
चेरी ऑर्चर्ड 1904 में लिखता है, 1904 में डेथ होती है। कहते हैं कि चेरी ऑर्चर्ड जो है उसकी अपनी लाइफ की रिफ्लेक्शन है, उसने अपना अक्स दिया है लाइफ का। उसकी मदर का भी एक दोस्त था, उसने उसके घर को खरीद लिया था, अल्टीमेटली उस घर को उसने चॉप डाउन कर दिया, पुल डाउन कर दिया, और वो उसकी आंखों के सामने नजारा था, और वो उसने अपने इस चेरी ऑर्चर्ड के अंदर इन्फ्यूज कर दिया, डाला हुआ है। चेरी ऑर्चर्ड के बारे में कहा जाता है, ये सारे पॉइंट साथ साथ लिख दी जाए काइंडली, चेरी ऑर्चर्ड के बारे में कहा जाता है कि ये कॉमेडी है, ये ट्रेजेडी है, ये पेस्टरल कॉमेडी है, ये कोई ड्रामा है, ये थेट्रिकल पोएम है, ये चेखोवियन, चेखोवियन CHEKHOVIAN चेखोवियन कॉमेडी है, क्योंकि वो कॉमेडीज लिखता था, वो पोएम्स लिखता था, वो शॉर्ट स्टोरी लिखता था, वो नॉवल लिखता था, वो ड्रामेटिस्ट था, प्ले राइट भी था, तो ये सारे काम वो करता था, ठीक है। तो इसकी इसके बारे में डिफरेंट ओपिनियंस हैं इस जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं चेरी ऑर्चर्ड। चेरी ऑर्चर्ड के बारे में एक कंसेप्ट यह है कि यह कोई कॉमेडी है, करेक्टर जो है वो नॉन सीरियस और अब्जर्ड सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, मीनिंगलेस सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं। एक सीरियस मैरिज का इशू है तो कोई क्या कर रहा है, वो कोई और काम कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैडम लंपो रैनम्सकाय जिसको कहते हैं मैडम रैनम्सकाय के हाल, उनके हाँ इतना इतने बुरे हाल हैं कि उसके घर में उसका चेरी ऑर्चर्ड बिक रहा है, वो पार्टी कंडक्ट कर रही है, जैसे वो एरिस्टोक्रेटिक लोगों की, लैंडलॉर्ड लोगों की होती है ना, कि पार्टी कंडक्ट की, लोगों को खिला रही है, डेट्स चल रही है, वाइन चल रही है, शराब चल रही है, नाच डांस और एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। ही इवन डजंट बॉदर अबाउट द चेरी ऑर्चर्ड, इट्स गोना फेल, इट्स गोना बी ऑक्शन्ड, कि वो गवर्नमेंट जो है वो इसको गिरा देगी, इसको चॉप डाउन कर देगी, इसको सेल कर सकती है, इसको ऑक्शन कर सकती है। तो शी इज नॉट वरीड अबाउट इट, रादर शी इज वरीड अबाउट पेटी इश्यूज लाइक डेट्स एंड रोमांस, लव एंड अफेयर्स एंड समथिंग लाइक दैट। तो यहां पे नजर आता है कि सीरियस इशू को छोड़ के पिटी इशू जो नॉन सीरियस इशू है उनकी तरफ तवज्जो दी जा रही है। एक तो इशू इसमें ये हमें नजर आता है कि ये कॉमेडी है, कि सीरियस इशू की बजाय ट्रिवियल इशू के ऊपर जो है प्रोटैगनिस्ट है वो तवज्जो दे रहा है, और खुद वो मकरूज है, खुद उसके पास पैसा नहीं है, उसके घर में उसका जो एक दोस्त है वो आता है तो वो उससे कर्जा उधार ले जाता है, कि उसके पास खुद पैसे नहीं है तो वो लोगों को पैसे दे रही है। It means that she shows her aristocratic symbol. Tragedy है, बिकना नहीं चाहिए था, चेरी ऑर्चर्ड बिक गया, जाना पड़ा, बेटे की डेथ हुई, फादर हस्बैंड की डेथ हुई, अब्यूसिव लवर है, सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, ट्रेजिडी भी लगती है। पेस्टरल कॉमेडी है, सीन दिखाए गए हैं विल्जियर, पेस्टरल का मतलब होता है इन विच शोन द विल्जियर सीन, इन विच शोन द नेचुरल सीन, इन विच शोन द शेफर्ड्स, द goats and sheep and something like that. Villager scene इसके अंदर हमें नजर आते हैं, जैसे हमें इसके अंदर नजर आते हैं कि जैसे कोई नेचुरल सीन है, चेरी और चढ़ा बगात हैं, ठीक है, और इस तरह से रिलेटेड जो चीजें हैं वो नेचर नजर आती है, पेस्टरल पोएम लगती है, पेस्टरल कॉमेडी लगती है। हाँ ड्रामा है, ड्रामे की जैसी भी शक्ल, ड्रामेटिक सीन भी नजर आते हैं, थिएटर थिएट्रिकल पोएम है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई थिएट्रिकल पोएम है, यानी डिफरेंट क्रिटिक्स जो हैं उन्होंने डिफरेंट नाम दिए हुए हैं, आप इसको वन बाय वन एक्सप्लेन कर सकती हैं, मजीद हम असाइनमेंट में पढ़ेंगे। चेखोवियन कॉमेडी है, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी लिखता था तो उसी में से कुछ कहते हैं, बिल्कुल वैसे इसने कोई चेखोवियन कॉमेडी जो लिखता था उस तरह उसने कोई लिखी है। चेरी ऑर्चर्ड जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें फोर एक्ट प्ले है, नोट कर लें, फोर एक्ट प्ले है, और थोड़ा सा मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी इसके रिलेटेड बता दूं। 1862 में अलेक्जेंडर टू जो है हमारे राइटर की डेट ऑफ बर्थ है 1860, यानी 1860 में पैदा हुआ, और उसकी पैदाइश के दो साल के बाद अलेक्जेंडर टू आता है। मैंने बताया कि इसका दादा जो था वो बॉन्डेड सर्फ था, किसी फैमिली के लिए फैमिली टू फैमिली वर्क करते आ रहे थे जनरेशन टू जनरेशन, किसी फ्यूडल लॉर्ड की, किसी एरिस्टोक्रेटी के घर। 1862 में अलेक्जेंडर टू जो है रशिया का किंग बनता है, ही वाज सिलेक्टेड एज अ किंग ऑफ रशिया, ही रेवोल्यूशनाइज्ड रशिया एंड ही सेड दैट देयर शुड बी इक्वालिटी, कि लैंड जो है वो इक्वली डिवाइड की जाएगी, मिडिल क्लास जो है, बोर्जुआ जो मिडिल क्लास है, वर्किंग क्लास जो है, उनको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
वो जितनी लोगों के पास लैंड होती है और वो एंजॉय कर रहे हैं लस्टफुल लाइफ और वो लक्ष्यस लाइफ गुजार रहे हैं, ही इम्पोज्ड हैवी टैक्स ऑन देम एंड नाउ इट्स देयर इज अ प्रॉब्लम हाउ टू डील विद द सिचुएशन बिकॉज द पीपल लाइक एरिस्टोक्रेटिक दे डू नॉट वर्क दे एंजॉय दे डोंट नीड टू वर्क उनको काम करने की जरूरत नहीं है, इतनी जायदाद है प्रॉपर्टी है लोग उनके घर में काम कर रहे हैं, उसने कहा इक्वल कर दूंगा सबको, उसने सारों के ऊपर हैवी टैक्सेस लगा दिए और इस तरह के बड़े बड़े बागात चेरी ऑर्चर्ड और बड़े बड़े लैंड लॉट जो थे वो उसकी जद में आ जाते हैं और चेरी ऑर्चर्ड भी उसकी जद में आता है। तो ये इसका यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है रिलेटेड टू चेरी ऑर्चर्ड। लेट्स कम टू द पॉइंट, अब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी क्लास जो है वो डिस्कस की गई है। इसके अंदर अपर क्लास, फ्यूडल क्लास और लोअर क्लास और मिडिल क्लास, आपको तीनों क्लास के लोग जो हैं आपको इसके अंदर मिलेंगे। अब जरा इसकी करैक्टराइजेशन जरा सुन लें, उसके बाद मैं मजीद डिस्कस करता हूं। सबसे पहला करैक्टर है लिखें मिसेज लवबर्ग और मैडम रैनम्स्काय। मैडम रैनम्स्काय, RANEVSKY, थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है, लिखेंगे दो तीन दफा तो प्रैक्टिस हो जाएगी, लिख लें। लवबर्ग जो है, मैं ये भी कहता हूं ये भी इसके अंदर नाम इसका डिस्कस हुआ है, बहरहाल आप मैडम रैनम्स्काय लिख लें, जो आपको आसान लगे इन दोनों में से लिख लीजिएगा। करैक्टर लिस्ट मैं इसकी बताने लगा हूं, करैक्टराइजेशन मैडम लवबर्ग या मैडम रैनम्स्काय। मैडम लवबर्ग मीन की एक रोमांटिक नेम है, लव की लेडी है, सेक्सुअल लेडी है, अट्रैक्टिव लेडी है, डेट्स पे जाने वाली लेडी है, ठीक है, नॉन सीरियस है, रिस्टोक्रेटिक है, फ्यूडल लॉर्ड्स है, जनरेशन टू जनरेशन जो है वो फ्यूडल रही है पीछे, और वो क्या करती है लव अफेयर में इन्वॉल्व है इस तरह। जब प्ले स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि उसके हस्बैंड और बेटे की डेथ हुई है और वो फ्रांस गई हुई है अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, जैसे कि मॉडर्न ट्रेजेडी में। मैडम लवबर्ग जो है शी इज अ रिनोन्ड लेडी एंड नोन एज मैडम लवबर्ग रैनम्स्काय। उसको सेक्सुअल लेडी है, अट्रैक्टिव लेडी है, लविंग है, केयरिंग है, डेट्स पार्टीज इस तरह की एक्टिविटीज जो है उसकी उसमें इन्वॉल्व है। उसकी दो बेटियां हैं, एक उसने अडॉप्ट की हुई है और एक उसकी अपनी बेटी है। लिखिएगा मैडम रैनम्स्काय और लवबर्ग एक ही नाम है, परेशान नहीं होना आप। हस्बैंड और बेटे की डेथ हुई है, हस्बैंड और बेटे की, हस्बैंड जो है वो उसकी नेचुरल डेथ होती है, सन जो है वो डूब के मर जाता है और ये फ्रांस चली जाती है। ये तो एक करेक्टर जो है वो आपको क्लियर हो गया। दूसरे पे आए, पॉपुलर फिगर है, पार्टीज, लविंग, अट्रैक्शंस, और ये उसकी करेक्टरिस्टिक है इस लेडी की। दूसरा लोफाखिन, LOPEKIN, लोफाखिन। लोफाखिन एक मर्चेंट है, ट्रेडर है, और ये बाउंडेड सर्व था, फैमिली टू फैमिली यानी जनरेशन टू जनरेशन वर्क करता आ रहा है इस मैडम रैनम्स्काय के घर में। लेकिन अब जो है वो बड़ा एक एस्टेब्लिश मर्चेंट बन गया है, क्योंकि ये एरिस्टोक्रेटिक लोग जो थे, अपने फ्यूडल लोग जो थे, वो अपनी दौलत को ही एंजॉय कर रहे थे, वर्क नहीं कर रहे थे, मिडिल क्लास वर्क कर रही थी। अलेक्जेंडर टू आ गया है, अलेक्जेंडर टू ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया रशिया को, बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं, और वो मिडिल क्लास जो है वो आर अपरोरिंग देयर हेड्स, दे आर स्टेपिंग फॉरवर्ड एंड द अपर क्लास दे आर गोइंग डाउनवर्ड। कीप इन योर माइंड, लोफाखिन, LOPEKIN, लोफाखिन मर्चेंट है, ट्रेडर है, और ये अल्टीमेटली खरीदता है चेरी ऑर्चर्ड को और उसे चॉप डाउन कर देता है। फैमिली सर्फ रहा है, बाउंडेड लेबर था पहले, फैमिली जनरेशन टू जनरेशन इसने वर्क किया है, लेकिन अब ये एक एस्टेब्लिश मर्चेंट बन गया है, और ये इसकी एक बेटी है, अडॉप्टेड बेटी है, नाम है बर्बरा, उसका बॉयफ्रेंड है। मैडम रैनम्स्काय भी कहती है कि बर्बरा को चाहिए कि इसके साथ शादी कर ले, चाहे बाद में छोड़ दे, एस्टेब्लिश मर्चेंट है, बड़ा कामयाब है, तो इस तरह की मोरलिटी है उसकी। No, he's enjoying high position. लोफाखिन अब high position enjoy कर रहा है और इसने ही चेरी ऑर्चर्ड को अल्टीमेटली खरीदना है। उसके बाद है बर्बरा, जो उसकी अडॉप्टेड बेटी है। किसकी बेटी है? मैडम रैनम्स्काय की। मैडम रैनम्स्काय की बेटी है, नाम है बर्बरा। बर्बरा
B-A-R, एक बर्बरा नोट कर लें, अडॉप्टेड डॉटर है बर्बरा, 24 ईयर ओल्ड है और शी हैड अफेयर विद लोपकिन, लोपकिन के साथ उसके उसके उसका अफेयर चल रहा है, ठीक है, मदर ऐसी है तो बेटियां भी वैसी हैं। रेनल्स काइज वांट लोपकिन शुड प्रपोज हर, रेनल्स काइज ये चाहती हैं कि लोपकिन जो है उसको प्रपोज करे और उसकी बेटी से शादी कर ले, चूंकि अच्छी फॉर्चून रखता है और अच्छा इसका प्रोस्पेक्ट है, इसका फ्यूचर जो है, इट्स ही इज हैविंग ब्रॉट ब्राइट फ्यूचर, सो शी शुड मैरी विद माई डॉटर। अन्या, अन्या एक बायोलॉजिकल डॉटर है इसकी, रनस्काई की, और ये 17 साल ओल्ड है और इसके घर एक पढ़ाने आता है, ट्यूशन इसके बेटे को पढ़ाने आता था, अब तो उसके बेटे की डेथ हो गई है, ट्रॉफी मॉव, TROPHIMOVE, ट्रॉफी मॉव, ट्रॉफी मॉव उनके घर ट्यूशन पढ़ाने आता है और इसके साथ इसका अफेयर चल रहा है अन्या का, यानी सारा घर जो है वो सारा ही इसी काम में इन्वॉल्व है, जैसे उसका नाम ही मैडम लव बव है। ट्रॉफी मॉव यूटोपियन पर्सन है, इमेजिनेटिव पर्सन है, आइडियलिज्म की दुनिया में रहता है, अफेयर है अन्या के साथ और ट्रॉफी मॉव के साथ इसका अफेयर चल रहा है और शी लव्स ट्रॉफी मॉव, ट्रॉफी मॉव से मोहब्बत करती है, नाम है अन्या, बायोलॉजिकल डॉटर है किसकी, मैडम रनस्काई की। हाँ जी, ही कमेंट्स ऑन द पॉलिटिक्स एज़ वेल, यानी ट्रॉफी मॉव जो है वो पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्टेड है और इस तरह कमेंट करता रहता है पॉलिटिशियन के ऊपर, ट्रॉफी मॉव यानी उस वक्त का जो बादशाह था, किंग था, उस पर कमेंट करता होगा। ट्रॉफी मॉव क्रिटिकल स्टूडेंट है और अन्या का बॉयफ्रेंड है और परपिचुअल स्टूडेंट है और हमेशा का स्टूडेंट है और ये थ्योरेटिकल पर्सन है, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आया, इमेजिनेटिव और आइडियलिज्म में रहता है और फैंटेसी और वर्ल्ड में रहता है। इसके बारे में लोपकिन कहता है कि तुम क्या हो, परपिचुअल स्टूडेंट हो, यू आर फॉरएवर स्टूडेंट, तुम हमेशा के स्टूडेंट हो, यू लिव इन थ्योरेटिकल वर्ल्ड, नॉट इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड, इमेजिनेटिव मैन हो। फर्ज, FIRS, फर्ज, 97 ईयर ओल्ड बूढ़ा शख्स है और एक्सेंट्रिक स्ट्रेंज काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है। अलेक्जेंडर टू ने अच्छा नहीं किया कि हमें आजादी दे दी, हम बाउंडर लेबरर ही अच्छे थे, हमें लेबर ही रहना चाहिए था, और वो अपनी उसी लाइफ से मोहब्बत करता है जो उसके वो जनरेशन टू जनरेशन वर्क कर रहा था, और ये एक सिंबॉलिक मैन है, स्ट्रेंज मैन है, अबनॉक्शियस मैन भी इसे कहा जाता है, सिनिसिज्म में इन्वॉल्व है और ये बॉन्डर लेबर को अच्छा समझता है कि मैं यहां ही वर्क करता रहा हूं, यही ठीक है फर्ज। जब जो इंसान बूढ़ा हो, एक बंदे को एक ही जगह रखे रखे तो वो कहता है यही माहौल बस ठीक है मेरे लिए, अब जो उसमें रहता है, तो देखें उसने कैसी मेंटेलिटी बताई है लोगों की। पिस्चिक, PISTICHIK, पिस्चिक, नोट करें नाम, पिस्चिक, नाम थोड़े से डिफिकल्ट है, यू हैव टू रिमेंबर बाय राइटिंग अगेन एंड अगेन। ये क्या है जी, लेबरर्स, बाउंडर्ड लेबरर्स ही, और ये क्या, ये पिस्चिक जो है ये रनर्स काई से दौलत कुछ पैसे उधार लेता है, और यहां पे भी एक स्टाइल है कि वो खुद एक आयरनी देखें कि वो खुद पैसे जमा नहीं कर पा रही कि चेरी ऑर्चर्ड को बचा ले तो उसको उधार दे देती है, ये पिस्चिक जो है पैसे उधार लेता है। उसके बाद शार्लट, शार्लट एक ब्लैक वुमेन है और ये मेड है और मिडिल एज औरत है और ये बड़ी रेडिकुलस हरकत करती है जिसकी वजह से दूसरे कैरेक्टर जो है वो अम्यूज होते रहते हैं। नाम है, ये ब्लैक वुमन है, ये क्लोन है, ये रेडिकुलस है, ये फॉलीज करती है, दूसरे कैरेक्टर जो है इससे अम्यूज होते रहते हैं, एंजॉय करते हैं। आगे है YEPHIKODOV, YEPHIKODOV जो है ये क्लर्क है और ये प्रपोज करता है किसको, डुनेशा को। डुनेशा एक फीमेल है और ये वर्किंग क्लास से ताल्लुक रखती है, बड़ी इमोशनल पैशनेट वर्किंग क्लास से ताल्लुक रखती है और ये भी वहां वर्क करती है और इसको पसंद करता है YEPHIKODOV, YEPHIKODOV इसको पसंद करता है, इसके साथ ताल्लुकात बनाना चाहता है लेकिन ये हॉपलेस लवर है। ये पसंद करती है याशा को, याशा जो है वो फ्रांस रहा है, उसके मॉडर्न आइडियाज हैं और ये भी वर्किंग क्लास से ताल्लुक रखता है, याशा को पसंद करती है और याशा इसको सड्यूस करता है, इसके साथ फिजिकल ताल्लुकात बनाता है और जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए हुए है, नाम है याशा। तो ये एक ट्राइंगुलर लव बन गया, इसकी ट्राइंगुलर बना लें, इसकी ट्राइंगल एक बना लें, एक साइड पे लिखें YEPHIKODOV, YEPHIKODOV,
दूसरी साइड पे लिख लें, दूसरी ट्राइंगल में लिख लें, दूसरे कोने पे लिख लें, डुनाशा, डी ओ एन ए एस एच ए, डुनाशा, और ऊपर लिख लें याशा। याशा मेल है, डुनाशा फीमेल है। याशा और डुनाशा ने आपस में फिजिकल ताल्लुकात बनाए हुए हैं, चूंकि ये एक इमोशनल पैशनेट और बड़ी सड्यूसेबल लेडी है, इसको बड़ी आसानी से याशा सड्यूस कर लेता है और उसके साथ ताल्लुकात बनाए हुए हैं। या भी कॉडअप जो है ये होपलेस लवर रहता है, ये इसके हाथ नहीं आती, प्रपोज करता है लेकिन रिजेक्शन मिलती है, कामयाब नहीं होता। तो वो उसको रशियन को वो बैकवर्ड समझता है याशा, क्योंकि वो फ्रांस रहकर आया और उसने यूरोप की, यूरोपियन कंट्री की मॉडर्न लाइफ देखी है, तो वो इनको बैकवर्ड समझता है और ये इसके आइडिया को इंडोर्स करती है डुनाशा और उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बना लेती है। तो ये कंटेम्पलेटिव रहता है, जेफी कॉडव क्लर्क है और रिजेक्टेड और होपलेस लवर है। याशा जो है ये ही लिव्ड इन फ्रांस एंड डिसलाइक द कल्चर एंड वे ऑफ लिविंग स्पेशली रशियन पीपल। ही रिकमेंडेड द फर्स, और वो फर्स को कहता है, फर्स जो होता है एफ आई आर एस, फर्स को कहता है कि यू शुड कमिट सुसाइड, यू आर अपनोक्शियस पीपल, यू आर यूजलेस पर्सन। और इसके अंदर थीम्स जो है मैंने पहले ही आपको बताए हैं, दोबारा फिर लिख लें, नेचर का थीम है, थीम्स भी लिख लें ताकि आपको याद रहे अगर डिस्कस। इसमें लॉस ऑफ ग्रीफ और क्लास का थीम है, अपर मिडल लोअर, उसके अंदर लव सेल्फिशनेस का थीम है, इसके अंदर जेलसी का थीम है, इसके अंदर नेचर का थीम है। तो लेट्स टॉक अबाउट द समरी ऑफ दिस प्ले। अब हम बात करते हैं समरी की। एंटन चेकोव एक रशियन राइटर है। जब जैसे ही प्ले स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि लेडी लवबॉफ जो है वो अपनी फैमिली के साथ और अपने कुछ सर्वेंट्स के साथ वो अल्टीमेटली वहां गई हुई है। चेंज आ चुका है रशिया में और वहां उसके साथ धोखा हुआ है, बेटे की डेथ हुई, उसके हस्बैंड की डेथ हुई और वो इसका सोल्यूशन तलाश करने के लिए फ्रांस गई, वहां पे उसे एक लवर मिला। उस अब्यूसिव लवर ने उसको यूज किया, उसकी दौलत भी हथिया ली और अल्टीमेटली अब ये वापस आई है और इसने अब चेरी ऑर्चर्ड जो है उसको बचाना है। चेरी ऑर्चर्ड को लुक आफ्टर कर रहा है लोफाकिन और उसके वर्किंग क्लास के जो लोग हैं घर में वो सारे उसका वेट कर रहे हैं, ये वापस आ रही है, वापस आ रही है। तो अब यहां पे जब वापस आती है सारे लोग उसका वेट करते हैं, अल्टीमेटली बातें शुरू हो जाती हैं कि बहुत ज्यादा इसके ऊपर कर्जा है और चेरी ऑर्चर्ड को बचाना है, इसके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस जो है इम्पोज हो चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वी हैव टू जस्ट एस्केप, हमने इससे बचना है, वी हैव टू रेस्क्यू इट, वी हैव टू डू समथिंग। अब ये क्या करती है, ये बिल्कुल नॉन सीरियस है, ये परेशान है लोफाकिन और उसके रिलेशन के बारे में जो उसकी बेटी है बर्बरा, ये परेशान है वो ट्रॉफी मॉफ जो उसकी बेटी जो अन्या उसके बारे में, यानी ये छोटे छोटे पिटी इशू के बारे में परेशान है। घर में पार्टी कंडक्ट कर लेती है, दिन जो है वो गुजरते जा रहे हैं और ये उसको कोई परवाह नहीं है, ये पार्टी अटेंड कर, इवन के इसका जो एक बाउंडेड जो लेबरर होता है वो इसे कुछ कर्ज भी ले जाता है, ये उसको भी दे देती है और पार्टी कंडक्ट कर रही है, डेट्स पे जा रही है, लोग एडमायर कर रहे हैं और अपने कल्चर को बचा रही है जो उसका एक अरिस्टोक्रेटिक और फ्यूडल किस्म का कल्चर है। अब होता यूं है कि डेट फिक्स हो जाती है कि आपने फला डेट पे इसके इसका जो जितना भी कर्जा है वो अदा करना चाहिए। ये अपने यूजलेस अफेयर में इन्वॉल्व रहती है, उसको नहीं बचा पाती, अल्टीमेटली लोफाकिन जो है उसका ही जो उनका मुलाजिम होता है वो उसको खरीद लेता है और फिर उसकी आंखों के सामने उनको चॉप डाउन करता है, उनको काटता है चेरी ऑर्चर्ड को। ये बहुत ज्यादा परेशान होती है, ये दोबारा इसको एक लेटर आता है उसी फ्रेंड से और ये उसको उसको लेती है, सुनती है और फिर अपने अब्यूसिव लवर को दोबारा माफ कर देती है और ये फिर वहां चली जाती है फ्रांस के अंदर, और इसी तरह ये स्टोरी एंड होती है। ये एक स्टोरी है, एक बड़ी सिंबॉलिक स्टोरी है, इसके अंदर करेक्टर्स हैं नॉन सीरियस करेक्टर हैं, इसके अंदर लोफाकिन जो है एक वर्किंग क्लास से ताल्लुक रखता है और मिडिल क्लास से हमें नजर आएगा यहाँ पे ट्रॉफी मॉव, और उसके बाद अपर क्लास के जो लोग हैं वो नॉन सीरियस हैं, कैसे पिटी इशू में जो स्मॉल इशूज हैं उनमें इन्वॉल्व हैं
और ये ऑल अबाउट दिस स्टोरी है और इसको इंशाल्लाह इसकी सुबह से हम असाइनमेंट जो है वो पढ़ने शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको करेक्टराइजेशन भी समझ आ गई, इसकी समरी भी समझ आ गई, राइटर की लाइफ भी समझ आ गई। टुमारो विल स्टार्ट वन असाइनमेंट, कल से हम जो एक असाइनमेंट है इसकी वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, और साथ जो वो दूसरा है हमारा जो लाइन टू लाइन टेक्स्ट है वो भी देखेंगे। आज थोड़ा सा नेट का इश्यू था, टुमारो इंशाल्लाह विल कम फॉर वन असाइनमेंट, एक असाइनमेंट उधर से लेंगे और दूसरी जो लाइन टू लाइन टेक्स्ट है इसको हम फिनिश करेंगे, और उसके बाद हम क्रिटिसिज्म आपने पढ़ना है या नावल पढ़ना है विल स्टार्ट इट। हैव अ नाइस टाइम, स्टे ब्लेस्ड एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू अपलोड इट। मैं इसे आज अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम।